तो चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को कर्नाटक के हिरियूर से शुरू हुई है। यात्रा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ विवेक तन्खा ने 10 किलोमीटर तक पैदल पदयात्रा की और यात्रा में शामिल सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान पदयात्रा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ डॉक्टर शिव कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का चलता फिरता आवाज भी दिखाया। पदयात्रा में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ विवेक तन्खा ने भी 10 किलोमीटर तक पदयात्रा की है और पदयात्रा में दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को हिरियूर से शुरू हुई है और उनके साथ राहुल गांधी के साथ दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। विवेक तन्खा को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और विवेक तन्खा ने भी राहुल गांधी के साथ करीब 10 किलोमीटर तक ये पदयात्रा की है। आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को करीब एक महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और मंगलवार को हिरियूर से शुरू हुई है ये पदयात्रा और विवेक तन्खा इस पदयात्रा में आपको नजर आएंगे। उन्होंने भी राहुल गांधी के साथ करीब 10 किलोमीटर तक पदयात्रा की। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, इसके अलावा दिग्विजय सिंह भी उनके साथ शामिल रहे। दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पदयात्रा में शामिल हुए। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का चलता फिरता आवाज भी दिखाया कि किस तरह से इस पदयात्रा के दौरान जो लोग राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं, राहुल गांधी वो किस तरह से रात्रि विश्राम करते हैं, कहां वो रुकते हैं और इस पूरे पदयात्रा के दौरान वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मंगलवार को हिरियूर से शुरू हुई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और तस्वीरों में आप राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा को देख सकते हैं। दिग्विजय सिंह भी उनके साथ चल रहे हैं। विवेक तन्खा ने 10 किलोमीटर तक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की।